हाँ बिकॉज ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक का पोस्टर जी देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट्स अ लिटिल यू नो आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म. भले ही बहुत सारे इसमें बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, स्पेशली कॉमेडियंस, और ये ऑब्वियस है कि ये फिल्म एक कॉमेडी है. प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक से एक इलेक्ट्रिशियन की कहानी है एंड इन विच आई प्ले बरखा हु इज़ एन एस्पायरिंग एक्ट्रेस एंड हर जर्नी के वो आती कैसे है एक छोटे शहर से, एक छोटे मोहल्ले में रहती है जहाँ सब लोग सबको जानते हैं एंड एवरी वन फ्लर्टिंग विद हर एंड इवेंचुअली दिस वन वेरी टिमिड इलेक्ट्रिशियन फॉल्स इन लव विद हर. तो एक वन साइडेड लव स्टोरी चलती रहती है एंड ये स्टार बन जाती है, इनके साथ क्या होता है एंड द होल मोहल्ला एंड द एंटायर व्हाट गोज अराउंड इन एंड आउट, इट्स इन एन नटशेल कॉमेडी एंड आई थिंक वन ऑफ दोज फिल्म जो आपको देख के ही बहुत अच्छा लगेगा एंड मज़ा आएगा. इट्स एब्सोल्यूट फन. बिल्कुल, देर इज़ हेमंत पांडे, दस विजय शिवजी, संजय मिश्रा, मनोज पावा, आई थिंक मनोज जोशी, चंद्रचूर सिंह और पता नहीं बहुत सारे हमारे इम्पैक्ट फ्रेंड्स ने देव डन केमियोज एंड गेस्ट अपियरेंसेज. आई थिंक वी हैव अ गुड ब्लेंड ऑफ गुड एक्टर्स एंड दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिल्म. एग्जैक्टली, सो आई थिंक वो मैच करने में मुझे अच्छा लगता है. मैंने आई थिंक बहुत बार बोला है कि आई फील लाइक डूइंग कॉमेडी, आई एंजॉय डूइंग कॉमेडी एंड कॉमिक रोल्स. तो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट फिल्म दैट आई कुड एटलीस्ट डू समथिंग डिफरेंट एंड मेरा हमेशा यही मानना है कि आई ट्राई एंड डू समथिंग डिफरेंट. तो ये भी एक अलग कहानी है एंड आई पिक्ड इट अप. हंसते रहे पूरा साल, हंसते हंसते निकल जाए एंड सब इंजॉय करे एंड दैट्स व्हाट आई वांट. देखिए क्या है, फिल्म कॉमेडी की है और पूरा सब्जेक्ट कॉमेडी में है, लेकिन जो फिल्म का ताना बाना है वो बड़ा म्यूजिकल है. सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने पास हीरोइन ऋषिता भट्ट बहुत अच्छी है, हेमंत जी ने बहुत अच्छा काम किया है. दूसरी चीज़ क्या, फिल्म जो है एक ताजमहल के बैकड्रॉप पे शूट हुई है, फिल्म आगरा में. तो अगर आगरा में फिल्म शूट हो और ताजमहल का बैकड्रॉप हो तो 100% फिल्म में रोमांस और रोमांटिक होना चाहिए. इसका एक रोमांटिक गाना भी ये सुनेंगे, मैं गा के सुनाता हूँ आपको. कोई चेहरा हो जो आँखों में तो नींद उड़े रातों में, कोई चेहरा हो जो आँखों में तो नींद उड़े रातों में, सीने से उठे पलकों पे रुके लाखों ख्वाबों के बादल, इश्क जो भी करे वो पागल, इश्क जो ना करे वो पागल, इश्क जो भी करे वो पागल, इश्क जो ना करे वो पागल. और एक गाना इस फिल्म में है जो लाभ जंजुआ जी के ऊपर है. इसमें जो हमारे हीरो उनका जो करेक्टर है, जो मनोज शर्मा जी ने करेक्टर डिज़ाइन किया है, वो एक इलेक्ट्रीशियन का करेक्टर है. तो एक इलेक्ट्रीशियन को जब इश्क हो जाता है तो वो कैसे सोचेगा, तो उसको तो करंट लगेगा ना इश्क का. तो उसका एक गाना है, जब से उससे हाय हुई बाय हुई दिल की धड़कन हाय हुई फाय हुई, जब से उससे हाय हुई बाय हुई दिल की धड़कन हाय हुई फाय हुई, रोग परमानेंट लग गया इश्क दा मन करंट लग गया. मनोज जी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ. तो मनोज ये डायरेक्टर साहब हमारे आ गए, अब साथ में हम लोग करेंगे तो संग में गाएंगे. गाना क्या है, मनोज जी ने इतना बढ़िया डिजाइन किया कि इलेक्ट्रीशियन को प्यार करा दिया एक लड़की से. तो अब इलेक्ट्रीशियन को प्यार होएगा तो वो क्या गाएगा, उसको करंट ही लगेगा. जब से उससे हाय हुई बाय हुई दिल की धड़कन हाय हुई फाय हुई, रोग परमानेंट लग गया इश्क द करंट लग गया, इश्क द करंट लग गया. अब आप मनोज जी से पूछो सब चीजें. अरे तो मैं बता रहा कॉमेडी भी होगा, रोमांस भी होगा. यस यस, और इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल बातें भी होंगी. डेफिनेटली इलेक्ट्रिशियन के थ्रू अगर हम फिल्म कॉमेडी प्ले कर रहे हैं तो बहुत मजा आएगा, बहुत करंट लगेगा कॉमेडी का. तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स फुल एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें बहुत अच्छा म्यूजिक प्रवीण जी का है और वो लगेगा नहीं कि फिल्म का सॉन्ग है, एक सीन लगेगा. थैंक यू.
और एक इमोशनल गाना है वो आप लोग इंटरवल के बाद सुनेंगे, मजा आ जाएगा। थैंक। अच्छा मेरी गड़ा आपने बस। हेलो हाय। तो देश हुआ भाई। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अनयूजुअल नाम है और कॉमेडी से लवलअप होने ही वाला है, ये एक्सपेक्टेशंस सही हैं। मुझे लगता है कि जब फिल्म देखेंगे लोग, आप लोग देखेंगे, तो हम लोगों ने कोशिश यही है कि आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरें और लोगों को पसंद आए, और फिल्म हम लोगों ने ऐसे ही बनाने की कोशिश की है सब लोगों ने, कि जहाँ पूरा परिवार आके अपना फिल्म देखे और जिसे कहते हैं कि फुल एंटरटेनमेंट हो और पूरा जिसे कहते हैं पैसा वसूल फिल्म मनोरंजक। हाँ मतलब उस तरह से ये है कि अब फिल्म है तो उसके अंदर हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं प्रकाश, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स जो नाम का एक बिजनेस चलाते हैं, जाहिर सी बात है यंग हैं, उनका दिल भी जैसे है उसके दिल में भी जो है बिजली की तरंगों जो इलेक्ट्रॉनिक उनका भी धड़कती हैं, तो उसमें उसके भी अब रोमांटिक धड़कने भी दिखेंगी आपको ज़रूर। मैं उनका एक फ्रेंड हूँ, पड़ोसी हूँ, जो थोड़ा सा शौकीन मिजाज है और उसको जो है थोड़ी सी जिसे कहा जाएगा रोमांटिक से ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वैसी वीडियो फिल्म देखने का शौक है तो वो वीडियो फिल्में जब कभी अटक जाती हैं जो नहीं चलती हैं तो इसका सहारा लेना पड़ता है उसको। कई बार ऐसा भी होता है बीवी घर में होती है और वो अटक जाती हैं, तो ऐसे जगह पर अटक जाती हैं जहाँ उसे एमरजेंसी में इसकी मदद लेनी पड़ती है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो दोस्त है उसका तो उसकी हेल्प करने के लिए रात में भी आना पड़ता है उसको, तो ऐसा कभी कभी। आने वाली फिल्मों में है दिल जो न कह सका, एक वो भी एक लव स्टोरी है, जंक्शर्स है न्यू कमर्स, फिर एक फिल्म है टी फॉर ताजमहल जो कि थोड़ी सी ऑफ बीट फिल्म है जिसे कह सकते हैं थोड़ी सी विद अ फिल्म विद अ मैसेज, ऐसी फिल्म है, दो तीन फिल्में हैं जो आने वाली। थैंक यू।